हम आपके हैं किन्नौर। आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आज पहली बार देख रहे हैं? जैसे गिव मी योर हैंड सर, लेफ्ट वाला या राइट वाला? गुरु जी, सॉरी सॉरी गुलू भाई, सॉरी। तुम कुछ पागल तो नहीं हो गया? सर पहले से बेटर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। मोहल्ले वाले झूठ बोलते हैं, मोहल्ले वाले खुद पागल हो गए हैं। तुम पागल है नहीं, स्टूपिड मैड क्रेजी हो। और कोई बेटर वर्ड है क्या? डम डम, यस डम भी होता। थैंक यू सर। पर मैंने किया क्या है? इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वाह सर वाह, आप मेरी पीठ ठोकने की बजाय मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं। अरे आपने जीते जी पापा जी को मार क्यों दिया? तो क्या करता, आप सब तो कुछ बोल नहीं रहे थे। अगर ब्रिगेडियर साहब शाम को मंसूरी से यहाँ आ जाते। ब्रिगेडियर नहीं पापा जी, पंडित है, पंडित। हाँ हाँ पंडित जी यहाँ आ जाते, कर्नल साहब ने तो कह दिया मैं शाम तक यहीं बैठूंगा, आप सब लोग फंस जाते ना फिर। डैडी शेर सिंह जी कह तो सही रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो, शेर सिंह ने जो कुछ भी किया सिचुएशन संभालने के लिए किया। शेर सिंह आई एम सॉरी। हुहा, गिव मी योर हैंड, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, नॉट ओके। लेकिन क्यों ओके नहीं है? सॉरी डैडी जी, लेकिन एक झूठ छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? दाऊ बेटा चलो अभी तुम्हारा घर में जाके वो दुख भरा चाय खाता है। दामू बेटा अब एक जरूरी काम याद आ गया। सेठी भाई एक मिनट, देखिए ऐसा है इनको दो मिनट के बाद लेके आइएगा, ठीक है? हम चल रहे हैं। हाँ वेल 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 वेल, जो गुजर गया वो कल था और जो आने वाला है वो भी कल है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस कल में जीना चाहते हो। सर कल की छोड़ो, जो आज यहाँ से आपा पड़ा है पहले उसको समेटो। वही समेट रहा हूँ शेर सिंह। वेल कर्नल घोष, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अ पाई। आई थिंक चार पाई। ए, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, किंतु एक बात हम बोल देता है, ब्रिगेडियर बाबू को हम भूलने नहीं सकेगा, हम बिल्कुल भूलने नहीं सकेगा। दामिनी बेटा चलो चल के तुम्हारा घर में वो दुख भरा चाय खाता, चलो। चाय कैसे कोई खाता है यार? वेलकम टू आवर स्वीट लिटिल। ब्रिगेडियर साहब आपकी आत्मा को शांति मिले। हे भगवान ब्रिगेडियर साहब की आत्मा को शांति दो। हे भगवान हम प्रार्थना करता है, हे स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब को अपना चरणों में स्थान दो, स्थान दो, स्थान दो। दामू बेटा ये फोटो के साथ में जो डिजाइनिंग किया है ना बहुत भालो किया है, बहुत अच्छा लगता है, मैचिंग मैचिंग होता है। थैंक यू अंकल। कर्नल घोष प्लीज प्लीज चाय आइए आइए बैठिए बैठिए चाय लेके आओ, चाय पीते ही कर्नल घोष चले जाएंगे। ए ऐसे कैसा बात करता है, ऐसे कैसा चला जाएगा? अरे हमको कुछ भी देरी नहीं हो रहा है। अरे हाँ रिटायर लोग के पास और है ही क्या टाइम के अलावा? हाँ अभी अभी तो आया है, दो तीन घंटा बैठेगा, चार पाँच घंटा बात करेगा, फिर आधा घंटा में चला जाएगा। अरे मजाक करता है आधा घंटा में। मैं चाय लाती हूँ। अच्छा बेटा तुम चाय करने जाता है, हमारा चाय में शक्कर थोड़ा ज्यादा देना है, हम चाय थोड़ा मीठा खाता है। और बताओ शेरी कैसा चलता है तुम्हारा लाइफ? All is well, all is well, all is well. मुझे तो all is hell लग रहा है सब। कुछ तो बोला क्या? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं।
पापा जी की फोटो पे हार क्यों चढ़ा रखा है? अरे मरे हुए आदमी की फोटो पर हार नहीं तो क्या गिटार टांगेंगे? पर पापा तो जिंदा है ना। हो गुल्लू बेटा, बात समझने की कोशिश करो। देखो पंडित जी की फोटो पे इसलिए हमने हार चढ़ाया कि कहीं कर्नल घोष को शक ना हो जाए। बस एक दो घंटे की बात है, उसके बाद जब ये चले जाएंगे तो हम अपनी जीत की खुशी में ये हार उतार देंगे। कलेजी के टुकड़े, मेरे बच्चे, तुझे भूख लगी होगी ना? नहीं, भूख नहीं लगी। बेटा, तूने नाश्ता किया? हाँ। क्या खाया बच्चे? आलू के पराठे। गरम तो थे ना? हाँ, बहुत गरम। बासी तो नहीं थे ना? नहीं। देसी घी डाल के खाए थे? नहीं माँ। क्यों बच्चे? क्योंकि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, एक्सरसाइज। और मेरे बच्चे कितना सूख गया, कांटा हो गया। ए सेठी, ए भारत माता कौन है? ये भारत माता नहीं है, ये गुल्लू की माता है। गुल्लू मॉम हमारे संदन जी। बाबा तुम्हारा संदन जी गुल्लू का माता नहीं? ए, 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 इधर इधर तुम बोलता है ए, तुम्हारा संदन जी है, यानी कि स्वर्गीय ब्रिगेडियर साहब का धर्म पत्नी गुल्लू का माता जी। ये तो एकदम शादीशुदा लगता है, क्या इनका मरते ही तुरंत दूसरा शादी कर लिया? ऐसा सजा के खड़ा है, देखो नीले रंग का साड़ी पहना है, एक पर्पल सा सिंदूर लगाया है, जुड़ा में दो दो फूल है, गला में मंगलसूत्र है, क्या 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 गंडगोल क्या है? कर्नल भाई साहब, अब क्या छुपाना बता दीजिए। क्या बता दे? वही जो छुपा रहे हैं। तो आप बता दीजिए ना फिर। हाँ। देखिए बताने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंस्टेंट बता देना चाहिए। हाँ, बोलो। देखिए क्या है कि ब्रिगेडियर साहब की पत्नी को अभी तक यकीन नहीं है कि उनके पति इस दुनिया में नहीं। उनको यकीन है कि वो एक दिन जरूर आएंगे, इसीलिए वो इस तरीके से सज धज के हैं, ना जाने कब आ जाए। ब्रेव, वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर महिला है, इनको तो प्रणाम करना पड़ेगा। मैडम, हम आपको कुछ बोलना चाहता था, आप बहादुर है। भाई साहब, मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं तो बेबी हूँ। हाँ, हमारा बोलने का मतलब था कि आप बहुत बहादुर बेबी है। ब्रेव, ब्रेव। आपका ये बहादुरी के लिए हम आपको सल्यूट करना चाहता है। रिटायर्ड कर्नल डी के घोष, गोरखा रेजिमेंट 24 GR सल्यूट करेगा। सल्यूट कर मैडम। ऐसा नहीं, ऐसा सल्यूट। हाँ, ये अच्छा दिखता है। भाई साहब, एक बात तो बताइए, आपने मुझे बहादुर क्यों कहा? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे मैडम, आपका पति चला गया है। हाँ, वो तो चले गए हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि वो वापस आएगा? इतना सज्जा के खड़ा है। अरे इसमें कौन सी नई बात है भाई साहब, हर पत्नी अपने पति का इंतजार करती है ऐसे अब सच धज के। पूरी बाबा, माने आपको पूरा पक्का यकीन है कि आपका पति वापस आ जाएगा? हाँ, वो तो आजकल में आ ही जाएंगे, बल्कि अभी आते होंगे। पूरी बाबा, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है महिला का। हम एक कॉन्फिडेंस के लिए आपको एक बार फिर से सलाम करना चाहता है। रिटायर्ड कर्नल डी के घोष, गोरखा राइफल 24 GR सल्यूट करेगा। सल्यूट कर। ऐसा नहीं, आपको अभी बताया था, ऐसा हो जाए। हाँ, ये अच्छा लगता है। अच्छा। ये दामो बेटा, तुम उस स्टूल पे खड़ी क्या कर रही हो? बुआ। मम्मी जी, वो गुल्लू ने कहा है। हाँ। गुल्लू बेटा, ये स्टूल पे क्या कर रही है? डॉक्टर ने कहा योगा, स्टूल योगा, योगा से ही होगा। योगा से होगा? ए गुल्लू बॉय, गुल्लू बॉय, ए तुम्हारा योगा का चक्कर में हमारा चा का क्या होगा? बैठिए। हाय दामू बेटा, मेहमान आया है, जाओ चाय बना, स्टूल योगा बाद में कर लेना। जाओ बेटा। जी मम्मी जी। ये तस्वीर बड़ी प्यारी है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बाबा ए चली, अभी ए क्या गंडगोल है? बेचारी को फिर से दौरा पड़ गया है। उड़ी बाबा, हम गुल्लू बॉय।
माँ को संभालो बेटा, माँ को संभालो। हाँ हाँ हाँ, संभालो संभालो। हमसे तो देखा नहीं जाता, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। किंतु ये सिचुएशन में भी ये लेडी जो है बहुत बहादुरी से पेश आता है, और इनका ये बहादुरी के लिए हम एक बार इनको सल्यूट कर देता है। मैडम संभालिए संभालिए, अपने आप को संभालिए, आप तो बहुत बहादुर महिला है, और आपका ये बहादुरी के लिए ये रिटायर्ड कर्नल डी के घोष आपको एक बार फिर से सल्यूट करना चाहता है। रिटायर्ड कर्नल डी के घोष, गोरखा राइफल्स 240 डीके घोष सल्यूट करेगा, सल्यूट कर। चला गया। हाय राम, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा ओके। गुल्लू, आगे से कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना, समझा? नहीं मम्मी जी, कभी नहीं। हाँ मम्मी, आप घोष अंकल के सामने थोड़ी देर के लिए एक्टिंग तो कर लोगे ना? हाय गुल्लू बेटा, तुम लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है? एक्टिंग में तो मेरा जवाब ही नहीं। पता है, एक बार मैंने अपने कॉलेज के एक प्ले में एक्टिंग भी की थी। हीरोइन थी मैं। सच मम्मी जी? हाँ, और तब तुम्हें पता है, और प्ले खत्म होने के बाद हम सबने मिलके पूरे कॉलेज के लिए टमाटो सूप भी बनाया था। टमाटो सूप? हाँ बेटा, मेरी एक्टिंग पे इतने टमाटर जो फेंके थे पब्लिक ने। पर घोष अंकल के पास तो टमाटर भी नहीं है, अब क्या होगा गुल्लू? माँ, बस देखना यहाँ टमाटर फेंकने की नौबत ना आए। हाय गुल्लू बेटा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, सास बहू की सीरियल्स देख देख के मैं अच्छी एक्टिंग करना सीख गई हूँ। अब तुम देखना कैसे घुमा के बेहोश करती हूँ मैं उस घोष को। आइए आइए बहन जी, आइए बैठिए। अभी कैसा फील करता है, बेटर फील करता है? कैसा फील करूंगी भाई साहब, बस कट रही है जिंदगी और क्या। लेकिन तुम देखना, आएंगे मेरे करण अर्जुन, जरूर आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। करण अर्जुन? पापा जी। कभी कभी करण अर्जुन बुलाते हैं। अच्छा अच्छा, पापा जी। हे बहादुर महिला, हम जाने के पहले आपको एक बार फिर से सल्यूट करना चाहता है। रिटायर्ड कर्नल डी के घोष, गोरखा रेजिमेंट 320 सल्यूट करेगा, सल्यूट कर। अच्छा तो अभी हम आप लोग से इजाजत चाहता है, हम चलता है। अरे कर्नल घोष, इतनी भी क्या चल दिया, थोड़ी देर और बैठ के जाइए। जी जब कर्नल बोस कर्नल घोष जाने के लिए कह रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए ना। हाँ आप निकलिए। सच कहा, वैसे भी जाने वालों को कौन रोक सकता है। बस भाई रुक जा। जाने वाले नहीं आते, बस उनकी याद आती है। पर तुम देखना, वो आएंगे, गुल्लू के पापा आएंगे, मेरे ब्रिगेडियर साहब आएंगे। बेबी जी, बेबी जी। बहन जी, चलने के पहले हम, गुल्लू तुम्हारा माता जी का ध्यान रखना, अभी बेटा ये तुमको ही सेवा करना है। वो रखेगा, इज अ गुड बॉय। चल बड़ा मजा आया तुमसे मिलके। इधर भी गुलशन के घर ना गई हूँ कहीं। अरे क्या समझी थी, भूखा फाड़ना पड़ोसियों का ताड़ना कम नहीं हुआ क्या? दिखाई नहीं देता क्या आपको? एक तो टक्कर मारते हैं, ऊपर से क्षमा भी नहीं मांगते। देखिए जजमान, अंधेरा होने पे क्षमा जला लेनी चाहिए, और गलती होने पे क्षमा मांग लेनी चाहिए। बोल सांचे दरबार की। उड़ी बाबा। उड़ी बाबा नहीं,
जय बोलो जय। हाँ जय जय। किंतु हम क्या बोलता है दादा, तुम तुम सचमुच जिंदा है? जिंदा मतलब हमारे कब थे? हाँ दादा दादा हम क्या बोलता है, हमारे साथ थोड़ा देर के लिए एक घर का भीतर में चलेगा हमारे। अरे क्या क्या कर क्या रहे हो? अरे क्या 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 करता है? हम क्या बोलता है, तुम्हारा धर्म पत्नी को जब मालूम होगा कि उसका पति परमेश्वर एकदम सही सलामत जिंदा है। भीतर में चलो, चमत्कार तो चमत्कार हो गया। शेठी चमत्कार दिखाता है। शेठी शेठी अरे चमत्कार हो गया शेठी। अरे अजीब आदमी है। शेठी बाहर आओ, देखो चमत्कार हो गया शेठी। शेठी ए देखो चमत्कार चमत्कार। मर गए। ए फूफा बाबू क्या उल्टा पल्टा बात करता है, मर नहीं गया, जिंदा है, जिंदा चमत्कार चमत्कार। ये तो सच में चमत्कार हो गया। अरे लेकिन ये प्राणनाथ, अरे प्राणनाथ आप आ गए। मैं चाहती थी आप एक दिन जरूर आएंगे। देखा गुल्लू, मैं कहती थी ना मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरा मतलब है तेरे पापा आएंगे, तेरे पापा जरूर आएंगे। देखा ना तेरे पापा आ गए। पापा जी तो आ गए। यस गुल्लू बॉय, यस पंडित जी, हम आई मीन ब्रिगेडियर साहब, आप तो हमारा नेचर जानते हैं। हम बता नहीं सकते कि आपको जिंदा देख के हमें कितनी तकलीफ हो, मतलब कितनी अपना वो खुशी हो रही है। तुम तो पागल तो नहीं हो गए हो? अरे हम तो साक्षात जिंदा है। पापा जी आइए ना, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा तू हमें समझाएगा? तू समझाएगा हमें? अरे ये क्या है? वो क्या है दामू, क्या है? मम्मी जी आप भी बोलिए ना, क्या ये? बोलिए बोलिए क्या है? क्या है ये? शायद गलती हो गई है। गलती से बेबी जी जेब में नगद होते हुए उधार मांगना और जिंदा पति की फोटो पे हार टांगना, ये गलती नहीं पागलपन है, पागलपन। बहुत खाते दरबार की जय जय जय। शेठी किंतु क्वेश्चन ये आता है कि ये ब्रिगेडियर बाबू धोती कुर्ता क्यों पहना है, इनका ड्रेस किधर है? इस वक्त ड्रेस का प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त स्ट्रेस का प्रॉब्लम। हाँ बराबर बोलता है, एक बेचारा थक गया होगा, बहुत स्ट्रेस हो गया होगा। हाँ हे माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे पति के प्राणों की रक्षा की, मेरा सुहाग वापस लौटा दिया। मम्मी जी एक तो ये पापा जी की फोटो है और दूसरी बात आप ओवर एक्टिंग थोड़ी कम कीजिए। स्वामी स्वामी दामिनी गुल्लू बेटा तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या नौटंकी है? समझा रहा हूँ ना पापा जी, आप आइए मैं समझाता हूँ। आइए अरे बेटा आइए आइए मैं समझाता हूँ। देखा आपने कर्नल घोष, भारतीय नारी की हिम्मत, उसका विश्वास, उसका यकीन, अरे मौत के पंजों से खींच लाया है उसके पति को इस घर में वापस। ये तो बराबर बोलता है। भाई जी हम आपको यही कहना चाहता है कि आपका जो बोलता है कि जो भील पावर है, जो आपका दृढ़ विश्वास है, आपका जो शक्ति है, वही आपका पति को जिंदा वापस लेके आया है। अच्छा भाई साहब हम जाके आते हैं, बेचारे कितनी देर बाद आए हैं। मेरा मतलब है कितने सालों बाद आए हैं। हाँ पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अच्छा नमस्ते, चलो दामू। हाँ जाए जाए जाए। ए शेठी हम क्या बोलता है, हमको भी वो लोग के पास में जाना चाहिए। क्या हुआ? नहीं कर्नल घोष अभी नहीं, वो क्या है कि मामला बहुत गर्म है। बाबा एक गर्म माने क्या? गर्म मतलब क्या है, क्या इतने सालों के बाद वो घर लौटे हैं, टाइम दीजिए फैमिली के साथ, स्पेस दीजिए जरा। वही हमारा मतलब था, मतलब ये है कि पंडित जी को आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए उन्हें आराम करने दीजिए। ये बात तो एकदम बराबर बोला है, किंतु शेठी हमारे दिमाग में एक तो कंफ्यूजन है। वो शेषिंग हमको बोला था कि वो बम गिरा था द्रास में, ये अब आया है पास में, तो इतना दिन इसके बीच में किधर था? खास में ना 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 ये इतना दिन बीच में किधर था वो तो हम लोग को जानना ही होगा।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.